ये क्या हरकत है? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। इतना गुस्सा मुझे बेगम ना हुई आरिफ हो, जिसके एक इशारे पे तू कच्चे धागे से बंधी चली आती थी, अब क्या हो गया? मैं तुझे कह रही हूँ ना, मेरा हाथ छोड़ दे, छोड़ दे मेरा हाथ। अच्छा छोड़ता हूँ, पहले चल के कहीं बैठ के बात तो कर ले। तू मुझे जानता नहीं आरिफ, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। हद होगी बुनिया तेरी भी, ऐसी भी क्या नाराजगी कि तू मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही। मैंने तेरा हाथ जबरदस्ती नहीं पकड़ा, कभी तुझसे बहुत मोहब्बत की थी, उसी मान से मैंने हाथ पकड़ लिया। अब तो बात नहीं सुनना चाहती तो तेरी मर्जी, वैसे तेरे फायदे की बात थी। क्या बात है, जल्दी बोल। अब यूं रस्ते में खड़े होके बोल दूं? जो कहना है वो यहीं कह दे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा चल बता, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों उठाऊं मैं तुम्हारा फोन? अब तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी जल्दी ताल्लुक तोड़ दिया तुमने? मैंने तोड़ा है? चल मेरी गलती सही, पर मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूं। तू जैसे कहेगी मैं वैसा करूंगा, चाहे जिसकी मर्जी कसम ले ले। मुबारक हो शहरयार भाई, गाड़ी की मुबारक हो। शुक्रिया रमजान भाई। और सुना शादी वादी भी कर ली है? भाभी बड़े अमीर घराने से लगती है। लगती नहीं है, है। तो इस सड़े हुए मोहल्ले में क्यों ले आए भाभी को? यहाँ तो कोई शरीफ आदमी नहीं रह सकता, ऐसा जलील मोहल्ला है, हम जैसों की तो रहने की मजबूरी है। रमजान भाई मुझे काम से जाना है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कमर से सारा खानदान ही दो नंबर है, एक वो भांजी और एक ये, लंबे चक्रों में रहते हैं, लंबे चक्रों में। एक दिन देखना मुंह के बल गिरेंगे, मुंह के बल। मैं आपके मेहमानों से नहीं मिल सकती, सॉरी। मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मिलने के लिए आ गए तो क्या हुआ? पर यूं घर आए मेहमानों को इनकार तो नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर के लिए मिल लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? आपके मेहमान हैं, आप एंटरटेन करें उन्हें। और वैसे भी मैं अजनबी लोगों से नहीं मिलती, सॉरी अगेन। देखो बीबी, यहां रहना है तो यहां के तौर तरीकों को अपनाना होगा। ये तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है कि जिससे जी चाहा मिल लिया और जिससे ना चाहा नौकरों को कह के घर से बाहर चलता कर दिया। यहां 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बना सकती तुम। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं मिलना तो नहीं मिलना, कोई जबरदस्ती है क्या? और वैसे भी हमने यही नहीं पड़े रहना, कुछ दिन में हम दोनों चले जाएंगे। शहरयार, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। हाँ तो मैं भी साथ चलता हूँ ना, अगर आप चाहो तो। हाँ चलो, बैंक तक जाना है और एक जरूरी बात भी करनी है। आइए। ऐ
चले ठीक है, खुदा हाफिज। वो नहीं आ रहा ना? नहीं, जीनत भाभी ने उसे रोक लिया, कोई जरूरी काम है। और नेक्स्ट वीक गोल्डी और इरम की वैसे भी एंगेजमेंट है ना, उसके बाद कुछ और होगा। मेरी बात लिख लो, वो भी नहीं आएगा। तो फिर आप क्या सोचते हैं? मेरे सोचने से अब कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये घर, प्लॉट्स और शेयर्स बेचकर भी हम इस मुसीबत से नहीं निकल सकते। तो फिर भी नहीं सकता, तू गई थी उसके साथ। नहीं अम्मा, मैं क्यों जाऊंगी उसके साथ? वो तो उसने मुझे अपने मोबाइल पर फ्लैट की तस्वीरें दिखा दी थी। कसम से इतना प्यारा घर है ना, जैसे कोई ख्वाब। देख मुन्या, मैं अम्मा, पूरे 37 लाख का घर है, पूरे 37 लाख का, और वो भी मेरे लिए। अम्मा तुझे पता है, बादाम जैसा मार्बल लगा है उसके पूरे घर के फर्श पर, और अम्मा उसकी दीवारें तो इतनी खूबसूरत है ना कि बस। झूठ बक, झूठ बकती है तो। तू गई थी उसके साथ, बता, गई थी ना? मैं तेरी गर्दन तोड़ के ना अम्मा तो यही डाल दूंगी। अम्मा छोड़, गर्दन तोड़ेगी क्या? छोड़ छोड़, बोलती हूँ। अजीब बात है, जब सच बोलो तो मानती नहीं है, जब झूठ बोलो तो यकीन कर लेती है। कहीं नहीं गई थी मैं उसके साथ, उसने वाकई मुझे अपने मोबाइल पर फ्लैट की तस्वीरें दिखाई थी, बस वो मिनटे कर रहा था तो रुक गई, वरना। देख, मैंने तुझे मना किया था ना बाहर निकलने से, तू क्यों निकली फिर बता? वो नाजिश को मैंने सूट दिया था ना सिलने के लिए, वो ही लेने गई थी। देख मुनिया, कल तेरी सास आ रही है शादी का दिन रखने के लिए, सुन रही है ना मेरी बात? अब तेरी शादी तय हो गई है, तूने उस सलील आदमी का अगर नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जा, दफा हो जा अंदर। मेरे खुदाया, इस लड़की ने मुझे तो तंग करके रख दिया। एक वो शहरयार है, अजीब सा हो रहा है वो, और उसकी बीवी देखो, उसका तो रवैया ही अजीब है, इतनी मगरूर। आजा आजा, अकेले में बात करती हूँ शहरयार से। Thank you.
क्या कह रही हो? रकम नहीं? तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? और शहरयार, मेरे लिए उस घुटन ज्यादा माहौल और छोटे से कमरे में रहना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी अच्छी जगह पे कोई एक अपार्टमेंट ले लें और रहना शुरू कर दें? हाँ, आपने बैंक जाना था? हाँ, हम लोग लेट हो गए थे, कुछ रकम थी वो डिपॉजिट करानी थी। अच्छा ये बताओ कि कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम फजूल, बेकार। शहरयार, आप ये बताएं, आपको क्या लगता है मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? शहरयार, अब सिर्फ तुम ही तो हो जिस पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर रही हूँ। मुझे पता भी नहीं चला कि कब तुम मुझे इतने अच्छे लगना शुरू हो गए कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। हो सकता है मोहब्बत ही हो, क्योंकि मेरा भी पहला ही तजुर्बा है। झूठ। वो सायरा जो तुम्हारे पीछे खुदकुशी करती फिर रही है, वो उसका नाम आप बार बार क्यों लेकर आती हैं? अच्छा खैर, बाकी बातें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। वेटर, चेक प्लीज। लेकिन हेमन, अभी चलो। लेकिन 2000, 1-2-3 बिल तो मुश्किल से 1500 होने, 500 रुपए टिप, फजूल खर्ची की मिलता है। हाँ जी, अब क्या हुक्म है मेरे लिए? तुम मामू है मुनिया का। ये भी जुर्म हो गया मेरे लिए। मेरे बच्चे इतने बुरे क्यों लगते हैं तुझे? ऐसा कुछ कहा है मैंने? नुसरत बता रही थी कि ज्यादा लंबी तारीख नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा अगले महीने की कोई तारीख रखेंगे। वो तू मेरी बकवास सुन रहा है या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ मैं, और मैं कहता हूँ ये ठीक है। मुनिया यूं भी तेरे हाथ से निकल ही रही थी, अच्छा है किसी खोटे से बांध दे उसे। और जिसे अपने खोटे से बांध कर रखा है, कभी उसके भी मिजाज पूछ लिया करो मामू। वो हमें इंसान नहीं कीड़े मकोड़े समझती है। अल्लाह माफ करे इतना गुरूर। तो बंदा जाके पूछे ना उससे कि यहाँ क्या करने आई है, जाके रहती क्यों नहीं अपने बंगले में। मैं तेरी जबान काट दूंगी, बकवास बनकर। हाँ हाँ, सच तो यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है। सच मैं बताता हूँ तुझे, खामखा में इसकी शादी का झंझट उठा रही है तू। लिख ले, 4 दिन में ससुराल वालों को धूल चटा के यहीं आकर बैठना है इसने। इसे वहां कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह ना करे शहरयार। सच तो कड़वा होता। शहरयार आया जी। देख लो अम्मा, मामू तो बेदाम के गुलाम हो गए, वो भी जोड़ूंगे। शहरयार, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मेरे बैग में 40,000 रुपए थे, अब नहीं है। 40? वही रकम तो बैग में जमा करवाने जा रही थी, इसलिए साथ लेके गई थी। कहीं गिर ना गए हो? कैसे गिर सकते हैं, इस एनवेलप में थे, एनवेलप मौजूद है और रकम नहीं है। किसी ने मेरे बैग में से रकम निकाल ली है। पापा, अरे क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे? साफ साफ बता दो, इनके बैग से 40,000 की रकम किसने? 40,000? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं। तेरी और तुम्हारी औलाद एक से बढ़कर एक फनकार है, उन्हें बुलाओ और उनसे पूछो कि किसने रकम निकाली है। मैं खा लूं देर तुम्हें सबकी। बुलाओ सबको।
क्या हुआ मामू? तुम्हारी मामी के बैग में से किसी ने 40,000 रुपया निकाल ली। तुमने निकाले ना मेरे बैग से रकम? शहरयार सिर्फ इसी लड़की को पता था कि मेरे बैग में इतनी रकम मौजूद है, इसी ने निकाली है। लेके जा। आप नाराज ना हो, मैं कुछ करता हूं, मैं करता हूं कुछ।